खबर कोरिया से है, जहां रिटायर्ड फौजी को सरकार से आवंटित जमीन को फर्जीवाड़ा कर खरीदी बिक्री करने वाले के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में विक्रेता, खरीदार, रजिस्ट्री, गवाह, उनके अधिवक्ता, तत्कालीन उप पंजीयन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह, डिप्टी डायरेक्टर केंद्रीय संगठन ECHS, एडजुटेंट जनरल की सेना की ओर से एकीकृत मुख्यालय थी मया मार्ग गोपनीय सर्कल दिल्ली केंट ने शिकायत सौंपी थी, जिसमें बताया कि ग्राम बचरा तहसील पौड़ी बचरा स्थित 1.95 हेक्टेयर जमीन आवंटित है, जिसे फर्जीवाड़ा तरीके से खरीदी बिक्री की है। मामले में नायब तहसीलदार से जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया कि भूस्वामी चंदा सिंह के निधन के बाद से उनकी जमीन को सविता कुंडू ने फर्जी तरीके से विक्रय कर नामांतरण कराया था। इसके बाद से पुनः बिक्री की गई थी। वर्तमान में 13 लोगों के नाम पर जमीन राजस्व अभिलेख में दर्ज है। फर्जी तरीके से जमीन की खरीदी बिक्री करने के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर पुलिस चौकी बचरा पौड़ी में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना के लिए लिया गया है। माधुरी आंचलन नायब तहसीलदार, इसकी जांच रिपोर्ट पर चौकी बचरा पौड़ी में अपराध क्रमांक 284 धारा 419 420 67 68 71 फर्जीवाड़ा केस दर्ज किया गया है। इसमें कुल 5 आरोपी हैं, उसके अलावा अन्य हैं, जिसमें विक्रेता, क्रेता, दृष्टि के गवाह शामिल हैं। ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह का जमीन है, जिसको विक्रेता विमला सिंह, जो कि उसकी बड़ी माँ है, उसने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की है। उसका फौत हो चुका है वर्तमान में। इसको 5 एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। अब विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई के विरुद्ध किया जाएगा।